प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहां पर चुनाव को देखते हुए लगातार राजनीतिक सरगर्मियां चलती आ रही हैं और बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज भी कोर कमेटी की बैठक हुई थी, तो वही कांग्रेस में अभी हाल में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिजलाल खाबरी बनाए गए, उनके साथ साथ छः अन्य प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए। उसके बाद जो महत्वपूर्ण यहाँ पर आज कार्यक्रम रहा वो रहा कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। सरगर्मियाँ चलती रहीं, कभी गहलोत पर सुई टिकी तो कहीं दिग्विजय सिंह ने आके मोर्चा संभाला, और फिर आखिरी में आकर चर्चा होती रही। फिर जो चर्चा का जो विराम था वो शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर रुक गया, और अब जो सीधी टक्कर है वो दोनों के लोगों के बीच में। दोनों लखनऊ भी आए, अपना अपना समर्थन भी किया, और जो सदस्य हैं पीसीसी के 9000 से ज़्यादा उन सदस्यों से वोट भी मांगे कि अपना समर्थन दीजिए। खैर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की बात करें लगभग लगभग 1250 के लगभग डेलीगेट्स हैं जिनको जिन्होंने आज वोट डाला है। 10 बजे यहाँ पर शुरू हुई और 4 बजे वोटिंग ख़त्म हो गई। 19 तारीख को फैसला आएगा और ये बताएगा कि कांग्रेस परिवार से अलग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। अभी हाल में ही हमें देखा कि सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही और उसके बाद राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और जो ये कुर्सी है कांग्रेस अध्यक्ष की बड़ी संवेदनशील कुर्सी है क्योंकि 10 साल सत्ता से बाहर है, 10 साल पूरे जाएंगे 24 में। उसके बाद जिस तरह से कई राज्यों में हास्य खराब हुआ उसको देखते हुए, और कांग्रेस को पुनः उसी योग्यता के साथ उसी ताकत के साथ जनता के बीच लाने का जो कवायद चल रही है वो भी देखने योग्य है। क्योंकि राहुल गांधी यहाँ पर 3500 किलोमीटर की यात्रा के माध्यम से भारत जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उस पर भी तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर रहे और ये कहा गया कि पहले कांग्रेस को जोड़ें फिर भारत जोड़ने की बात करें। भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, अखंड भारत, बेहतर भारत और संवैधानिक भारत। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि चर्चाएं चलती रहीं पर कहीं ना कहीं थरूर जो कि दूसरे उम्मीदवार हैं खड़गे के अलावा, जब वो राजधानी लखनऊ आए तो उन्होंने समर्थन की बात कही, तो समर्थन के बीच में बोलते बोलते उन्होंने एक बात और कही कि कांग्रेस को पुनर्जीवित करेंगे। तो वहीं पर इस पर दूसरी तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जो कि खड़गे के प्रस्तावक भी हैं और साथ ही साथ उनके जो प्रचार समिति उसके सदस्य भी हैं, उन्होंने भी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस का बलिदान देश के लिए है, जिस कांग्रेस का बलिदान कुर्सी के लिए है, जिन्होंने दो बार सरकार होने पर भी कुर्सी नहीं ली, उस कांग्रेस के लिए आप जीवित करने के बाद शशि थरूर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि विचारों में मतभेद भी है। तो जहां एक तरफ हम चर्चा करते हैं जोड़ने की, एकजुटता की, संघर्ष की, तो वहीं अगर एक कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरी कॉन्फ्रेंस अगर केवल ये बताने के लिए होती है कि हाँ उनको कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की बात नहीं कहनी चाहिए, क्या कांग्रेस पुनर्जीवित नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बात भी समझ में आती है कि चर्चा तो है, एकजुटता का नाम तो है, पर कहीं ना कहीं विचार में मतभेद अब भी व्याप्त है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कुछ तमाम ऐसे नेता रहे जो कांग्रेस छोड़ कर आए हैं, कांग्रेस छोड़ दी है, जिनमें उनके बड़े बड़े नाम शामिल हैं। फिलहाल कुछ बयान सुनते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये जो जिस गंदी मानसिकता के लोग कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते थे उन्हें अपने गिरेबान में झांके देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में अभी तक 90% अध्यक्ष ऐसे हुए हैं जो गांधी परिवार से बाहर के रहे हैं। आप इसके पहले देख लीजिए, जब सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी थी तब वो भी मतदान से आई थी। आज उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, मतदान किया है, तब भी कांग्रेस पार्टी मतदान से आ रही है। उन पार्टियों का क्या जिनके अंदर मतदान तो छोड़िए, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष
धक्का खा के बाहर फेंक दिए जाते हैं। ये अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस को भी लेकर पूरी उत्सुकता पूरे देश भर में है और प्रदेश की तो मैं देख ही रही हूँ। और सही मायने में अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अगर चुनाव हो रहा है तो केवल और केवल कांग्रेस न किसी का उसे हो जाता है, नेट से हो जाता है, पता ही नहीं चलता, गुप्त मतदान हो जाता है, अखबारों से पता चलता। लेकिन वास्तव में चुनाव जो हो रहा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मतदान से वो कांग्रेस का हो रहा है, सो सबको दिखाई दे रहा है और आने वाला समय कांग्रेस का ही है। और मैं तो कहूंगी कि जनता से भी कि कांग्रेस लाओ देश बचाओ। तो कांग्रेस लाओ देश बचाओ अभी राज्यसभा सांसद ने उनके नारा दिया है। फिलहाल देश में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो वहीं अभी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष भी नाम दिया गया, मिजराल खाबरी को कुर्सी मिली, 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी बने और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी आज चुनाव हो गया और 19 तारीख को परिणाम यहाँ पर आ जाएगा। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और थोड़ी सी विवादों को वहाँ पर कहा गया, विवाद को जन्म दिया कि कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की थरूर किस कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पुनर्जीवित नहीं है? तो यहाँ एकजुटता की बात तो कही जाए पर कहीं ना कहीं अब भी कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद नजर आ रहे हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा है और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नेता भाजपा से रामनाथ भाई अपना पक्ष रखेंगे, अमर गुरु भाई कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे, पवन श्रीवास्तव भाई वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप अपना पक्ष रखेंगे, प्रपाल सिंह सलूजा जी आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे और प्रवक्ता सपा के रूप में तारिक भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर पहला सवाल हमारा अमित गुरु भाई से रहेगा। अमित भाई, बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है और अब ये घटनाक्रम का परिणाम क्या आ गया वो तो भविष्य के गर्भ में नहीं थे, पर निश्चित रूप से देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा पर मिल रहा समर्थन। इसके साथ साथ कहा जा रहा था कि अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष भी मिल गए, 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी मिल गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 19 तारीख को मिल ही जाएगा, गहलोत, दिग्विजय सिंह और बाद में जो अध्यक्ष की सुई है वो 2 लोगों पर जाकर टिक गई, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। पर जिस तरह से थरूर यहाँ पर लखनऊ आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, समर्थन मांगा, उसके बाद कुछ समय ही बाद प्रमोद तिवारी ने, जो कि राज्यसभा सांसद है कांग्रेस, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम उनके प्रस्तावक हैं खड़गे के और हम उनकी बात करते हैं, अच्छे नेता हैं। पर कहीं ना कहीं थरूर को भी उन्होंने कटघरे में लिया कि थरूर अपनी बातों में किस कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? क्या मतभेद है या केवल केवल बात थी या इसको फिर जनरली कहा जाए कि जो प्रस्तावक है चुनाव प्रचार समिति के सदस्य उनके इसलिए बात कही गई? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक बड़े ही स्वस्थ परंपरा का निर्वहन, मैं परंपरा की बात कर रहा हूं और कांग्रेस पार्टी में ऐसा होता चला रहा है, बड़े स्वस्थ परंपरा का निर्वहन पार्टी कर रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों को पार्टी के अंदर स्थापित करने के लिए बड़े मन से चुनाव कराया जा रहा है। और जो आपने कहा कि इसको इस रूप में लिया जाए कि एक प्रस्तावक के हैसियत से जो उन्होंने कहा कि इसको इस रूप में लें या अदरवाइज दूसरे रूप में लें, तो बिल्कुल मैं आपसे सहमत हुए कह सकता हूं कि एक प्रस्तावक की अपनी जो भूमिका होती है और अपने पक्षकार के लिए जो बोलने की भूमिका होती है, इसमें कहीं से भी प्रमोद तिवारी जी के बयान पर मुझे लगता है कि किसी तरह के विश्लेषण की कोई जरूरत नहीं है। ये राजनीति की, दो प्रतिद्वंदियों की, जब आप चुनाव में होते हैं तो उस टाइम तक आप एक दूसरे के विरोधी जरूर होते हैं जी, बिल्कुल। लेकिन शशि थरूर जी हो या खड़गे जी हो, दोनों लोग बहुत बड़े मन से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं और जब परिणाम आ जाएगा तो हमारा जो भी अध्यक्ष निर्वाचित होगा उसके नेतृत्व में पूरी पार्टी फिर से एक नए उत्साह और नए जोश के साथ आगे बढ़ेगी। और जो पुनर्जीवित की बात आप बार बार कर रहे थे, बिल्कुल नहीं भाई, मैं समझ रहा हूँ, ये खड़गे जी प्रेस नोट है मेरे पास। हाँ हाँ, मैं आपसे सहमत होते हुए इस बात को, मैं इस बात शब्द से ही मैं इसका वो करूंगा, जवाब दूंगा कि पार्टी कल भी जीवित थी, आज भी जीवित है और आने वाले समय में भी जीवित रहेगी। जिस समय एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके, एक शब्द को लेके एक बड़ा आंदोलन चला कांग्रेस मुक्त भारत की, तो वो भी कल्पना अभी तक साकार होती नहीं दिख रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कांग्रेस कहीं से मरी नहीं है, कांग्रेस जिंदा है और उसको और ताकत और आने वाले दिनों में मिलेगा। थरूर जी तो यही मान के चल रहे थे ना, उन्होंने तो यही बोला है, पुनर्जीवित करेंगे। देखिए, थरूर जी के बयान जवान फिसलते भी हैं, थरूर जी के बयान हो सकता है बाद में इसकी वो एक अलग से इस पे हो सकता है सफाई भी दें। ऐसा सफाई अभी तक आई नहीं, फिलहाल नहीं, मैं सफाई का उम्मीद भी नहीं करता। लेकिन उन्होंने स्वस्थ मन से एक बात ये कही है, हर आदमी
भी जोश में कह जाता है वो भी पार्टी के लिए अच्छा करना चाहते हैं, खड़गे जी भी पार्टी के लिए अच्छा करना चाहते हैं और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अच्छा करना चाहता है। तो ये एक सामान्य परिस्थिति है और एक नेचर है। अच्छा। उस नेचर में ये शब्द निकला होगा, इसके बहुत बड़े मायने निकाले नहीं जाने चाहिए जैसा मुझे लगता है। पर क्या देखते हैं जिस तरह से कांग्रेस की लगातार भड़जुड़ चल रही है अमित भाई, और साथ ही साथ यहाँ पर जो काफी समय से शांत माहौल चल रहा था, अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस को भी अध्यक्ष मिल गया है, प्रांतीय अध्यक्ष भी मिल गए हैं, अध्यक्ष भी मिल जाएगा, तो क्या मानते हैं कि कांग्रेस उसी उत्साह के साथ आने वाले चुनाव में भी अपनी रणनीति बनाती नजर आएगी? देखिए निश्चित तौर पर भी तत्काल में ही दो राज्यों में चुनाव है जी, और उसकी सरगर्मियां तेजी से हैं, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी एक वो सेल्फ सेंट्रलाइज हैं इस बात पे कि भारत को और भारत के लोगों को उन वैमनस्यताओं से बाहर निकाल के एक साथ कैसे जोड़ा जाए, वो सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं और अनवरत उनकी वैमनस्यता की बात कर रहा हूं। वैमनस्यता जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है पूरे देश के अंदर, जिस तरह से बंटवारे की राजनीति हो रही है, जिस तरह से नौजवानों महिलाओं में रोजगार को लेके, सुरक्षा को लेके, उनके हितों को लेके जिस तरह से अनदेखी हो रही है, और तमाम तरह की जो सियासी एक तरह से कहे कि द्वंद्व में जिस तरह से बदले की भावना से देश भर में कार्रवाइयां हो रही हैं, तो कहीं न कहीं से इन चीजों से ऊपर उठ के स्वस्थ मन की परंपरा में देश की राजनीति को लाने के लिए, लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए राहुल जी की ये यात्रा है, और 1000 किलोमीटर की यात्रा आपने देखा लगभग पूरी भी हो गई और आगे भी ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी। हमारे पार्टी में कहीं से किसी तरह का दुर्भाव वाली बात नहीं। चुनाव की प्रक्रिया में भी देखा कि गांधी परिवार पूरी तरह से इस चुनाव की इस बात को लेकर अलग रहा कि हमारा कोई अमुक हमारा उम्मीदवार है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, समर्थकों को उनका अपना अधिकार है, वो अपने समर्थन में अपने नेता के लिए किसी भी हद तक जाकर बोले, वो उनका अपना अधिकार है। ठीक है भाई, कहना है कोई बात नहीं है, और यहाँ पर स्वस्थ परंपरा है, चुनाव हो रहा है और सब प्रस्तावक और जो प्रचार समिति के सदस्य होते हैं ऐसा बोल सकते हैं, पर आप कैसे देखते हैं इस बयान को? गौरव जी, अगर स्वच्छ परंपरा है जी तो अच्छी बात है जी, और होना भी चाहिए हर राजनीतिक पार्टी में जी, लेकिन स्वस्थ परंपरा के नाम पे जी बलि के बकरे जी खोजे गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार राहुल जी के अध्यक्ष रहते, सोनिया जी के रहते जी, लगातार सारे चुनाव हार रहे हैं जी। अभी आगे दो प्रदेशों का चुनाव, बलि के बकरे क्या है? नहीं गौरव जी, जी अभी से हिमाचल का चुनाव, गुजरात का चुनाव आ रहा है जी, और ये मैंने खड़गे जी ने स्वयं भी कहा, दो दिन पहले कांग्रेस के प्रचार में आए थे जी, उन्होंने कहा कि जो है जब बकरीद में बकरा बचेगा जी तभी तो मुहर्रम में नाचेगा जी, तो उनको पता है कि हम हिमाचल और गुजरात चुनाव बाद जी, क्योंकि लगातार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जी कांग्रेस पार्टी हार रही थी जी, और एक तरह से कांग्रेस मृत प्राय प्राय हो गई। अच्छा। पूरे देश में। अच्छा। तो फिर दो चुनाव में वो हारे, उसका ठीकरा उन पर फूटे। अच्छा। क्योंकि सोनिया जी लगातार उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं जी, लेकिन कोई बच्चा जो बिल्कुल कमजोर हो जी और पढ़ाई लिखाई मन न लगे, कमजोर करने वाले घर वाले चाहे जितना उसको स्कूल भेज के बस्ता बांध के पीठ पे भेज दें बेटा पढ़ाओ पढ़ाओ, लेकिन आप देखते हो कि पूरे देश में जो मजाक राहुल जी का बना हुआ है जी, और भाई सोनिया जी की भी अपनी मजबूरी है कि उनके बेटे हैं जी, तो किसको उठाएं वो, तो ये बलि के बकरे तैयार किए गए हैं। अच्छा। और हिमाचल गुजरात चुनाव जो पूरी तरह हारेंगे तिन्ही पर ठीकरा फोड़ के इनको हटा दिया जाएगा, फिर राहुल जी को लाया जाएगा। अच्छा, ये रणनीति है। ठीक है, हमारे साथ प्रपल सरुजा जी मौजूद हैं। प्रपल भाई, यहाँ पर तैयारी पूरी हो गई है कांग्रेस की और बड़ी मजबूती के साथ अब गुजरात चुनाव लड़ा जाएगा। आप तो बोले गुजरात चुनाव में आप इस बार पूरी सरकार बनाने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी बात कह रही है, कांग्रेस भी अमर गुरु भाई भी बोल रहे हैं कि भाई अब सारी तैयारियाँ हो गई हैं और गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव में हम महत्वपूर्ण प्रदर्शन करते नजर आएंगे, आप कैसे देखते हैं भाई? गौरव जी, आम आदमी पार्टी अपने प्रचार में पूरी तरह से लगी हुई है जी, जनता के बीच में है जी। आप कांग्रेस चाहे जीवित हो चाहे कांग्रेस मृत अवस्था में चली जाए जी, अब जनता ये समझ चुकी है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। अच्छा। चाहे आप 2017 का मामला गोवा का ले लीजिए, ये समझ में नहीं आई मेरे, चाहे कर्नाटक का मामला ले लीजिए, वहां पे लोगों ने वोट दिया था कांग्रेस को सरकार बनाने का, सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की जी। तो अब जनता ये समझ चुकी है कि ये इधर का गोल और उधर का गोल, कभी एक बार कांग्रेस तो एक बार भारतीय जनता पार्टी, इससे लोग त्रस्त हो चुके हैं जी, और अपने विकास को पूरी तरह से खो चुके हैं, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद होते हुए देख रहे हैं वो जी।
बच्चों के पास नौकरियां नहीं, कल ही आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर 35 लाख परीक्षार्थी आए हुए थे और किस तरह वो अपने अपने घरों में पहुंचे होंगे, गाड़ियों पे लद लद के लटक लटक के जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं कर पाई। तो आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में जनता को समझ में आने लगा है। कांग्रेस को वोट देना ये वोट कठुआ पार्टी है, ये जनता समझ चुकी है। अब आम आदमी पार्टी का उदय आपको हिमाचल में भी दिखेगा और गुजरात राष्ट्रीय पार्टी को वोट कठुआ पार्टी बोल रहे हैं, प्रिंसिपल में समझ में नहीं आई मेरी बात। लेकिन आप हम थोड़े कह रहे हैं, ये तो जनता देख रही है ना। अच्छा, ये तो जनता के सामने है ना सब सर। 2017 में गोवा में सरकार बनाने के लिए किसको मौका मिलता है? कांग्रेस को। हाँ, बन जाती है भारतीय राज करने वाली पार्टी को आप वोट कठुआ पार्टी बोल रहे हैं, से बाहर भाई है, यही हो रहा है। इनके विधायक चले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की गोद में। अगर मैं तो पूरी तरह से 135 वर्ष पुरानी पार्टी है जी। हमारे बुजुर्ग जो थे वो कांग्रेस में ही वोट दिया करते थे। अच्छा। कांग्रेस में ही भरोसा किया करते थे। मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा कांग्रेस फिर जीवित हो। दिखता नहीं मर उड़े गई है। इनके जितने बड़े नेता थे इन्होंने मर गई है क्या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के आगे जी प्रतपाल भाई कांग्रेस मर गई है क्या? जीवित करने की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर, जब इनके नेता इस बात को कह रहे हैं कि पुनर्जीवित करेंगे। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं। तो बयान में संजीदा ले लिया आपने हो रहा है इस बात को लेकर। जी, बयान में संजीदा ले लिया आपने थरूर साहब के हैं। ठीक है प्रिंसिपल भाई। तारिक भाई, भाई मैनपुर चर्चा का विषय है और चूंकि आप भी विपक्ष में शामिल हैं और जिस तरह से यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिए जाएंगे, 19 तारीख को फैसला आएगा, जिस तरह थरूर साहब का बयान आया उस पर प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस बयान पर तंज भी किया, कैसे देखते हैं भाई आप इस बयान को? ये सब सही है, जब वहाँ पर चुनाव हो रहा है तो ये सब तो होगा ही। अच्छा, होगा ही होगा। हाँ, भाई ये तो अब कम से कम चुनाव तो हो रहा है, आप लोग पहले बड़े दिन से डिमांड हो रही है, ऐसा जनता द्वारा डिमांड हो रही है। तो नजर आए चाहिए, ठीक है जी। हाँ, लेकिन अब भाई अब जैसे चुनाव हो रहा है ना गौरव भाई जी, तो अब कांग्रेस के अंदर ये बात हो रही थी जी, भाई मैं कांग्रेस का प्रवक्ता तो हूँ लेकिन गैर गांधी परिवार को आगे लाया जाए जी, और अगर गैर गांधी आएगा तो कांग्रेस में रिवाइवल होगा, फिर से नहीं जान आएगी, इस तरीके की बातें कई प्लेटफॉर्म पे हुई है। अब वही काम हो रहा है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ वो भी करके देख लिया जाए, ऐसा नहीं है। इतिहास में कई बार कांग्रेस पार्टी के गैर गांधी अध्यक्ष हुए। अच्छा, एक नहीं कई हुए, कई हुए, मतलब जब से चुनाव हो रहा है जी, आजादी के बाद से जी। तो अब ये सब चीजें तो होती रहती है, अब उनका कौन अध्यक्ष होगा, ये होंगे कि वो होंगे, वो उनके देखने के बाद है, वो अध्यक्ष कैसे काम करता है। अध्यक्ष होने के बाद भी आप लोग कहेंगे कि रिमोट कंट्रोल है। अब इसमें तो कांग्रेस के लिए मतलब कांग्रेस के लिए ये बात एक बड़ी दिक्कत की है। अगर मैं कांग्रेस का एनालिसिस करूं एक बार कि फिर यही होने लगेगा कि वो रिमोट कंट्रोल है जी, तो अब वो तो किसी को भी बनाएंगे बात कही जाए। अब होता है रिमोट कंट्रोल या नहीं होता है, अपनी मर्जी से सरकार चलाते हैं जी। जैसे ऐसा मनमोहन सिंह साहब, मैं मनमोहन सिंह साहब का बहुत सम्मान करता हूँ जी, क्योंकि दुनिया में जितने लोग इकोनॉमिक्स की जानकारी रखते हैं उनके लिए मनमोहन सिंह साहब तो बहुत बड़ा कैटेगरी है जी, बिल्कुल। जिसको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहता हो IMF की, जैसा मनमोहन सिंह साहब एडवाइस दे वैसा कर जी। तो वो उन्होंने एक बार मनमोहन सिंह ने कहा था कि आई एम अ पॉलिटिशियन बाय एक्सीडेंट जी, मैं इत्तेफाक से पॉलिटिशियन बन जी, वो इकोनॉमिस्ट। तो अब उनके बारे में भी लोग कहते हैं कि वो रिमोट कंट्रोल से चलते थे, इतना काबिल इतना जानकार जी, तो अब इसमें क्या किया जा सकता है जी। ये पार्टी की लाइन से हटके होता है जी। अगर किसी आदमी के पास काबिलियत है, मनमोहन सिंह को वर्ल्ड फोरम पे इकोनॉमिक्स में अगर रिकॉग्नाइज किया जाता है तो उस पर समाजवादी पार्टी को एतराज नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो हमारे लिए सम्मान की बात है। और उनकी जो काबिलियत है उसको 2008 से लेके 12 तक जो जिस तरीके का रिसेशन था तब भी हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट 8% थी जी। उसमें मनमोहन सिंह को क्रेडिट देना जी। जब यहाँ से पूछा गया कि आपने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, जब आपके पास इकोनॉमिक्स का इतना बड़ा गुरु बैठा है उससे पूछ लेते कि करे ना करे जी। जब पैसे को, जब रुपए को रात में 12 बजे बाबा जी आए, उन्होंने कहा रुपया बंद 500 का जी, तब जब दुनिया भर में हल्ला मचा कि ये क्या कर दिया जी, तो IMF ने कहा था कि जब इतना बड़ा गुरु इकोनॉमिक्स का बैठा है आपके पास तो उससे पूछ लेते हैं कि करे ना करे।
जिससे और दुनिया वाले पूछते हैं कि ये काम करें ना करें, ऐसा वो एडवाइजर है जी, दुनिया के मॉनेटरी फंड के एडवाइजर रहे क्योंकि कई सालों तक जी। तो अब ये गौरव भाई ये सब चीजें चलती रहती है जी। कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन हाँ वहीं से निकल के तमाम लोग आए, तमाम पार्टियों का विलय हुआ। एक बार तो आपको याद होगा 77 में तारिक भाई, तारिक भाई मेरा सवाल यहाँ पर केवल एक है कि तंज कसना प्रचार करना बिल्कुल सहमत है होना चाहिए, पर किसी बात को लेकर मतभेद साबित करना, मतभेद नजर आना, ये कहीं ना कहीं नुकसान आप मानते हैं इस बात को? हाँ नुकसान बिल्कुल, इस तरीके कहीं भी करो भाई जी तो नुकसान तो भाई आप है, भाई आप अपने प्रत्याशी की तारीफ कर सकते हैं, प्रस्तावक बन सकते हैं, समिति के सदस्य हैं। बार बार उदाहरण देता हूँ गौरव भाई जी, हम लोगों को नुकसान हुआ मैं मानता हूँ जी। जो 17 के चुनाव में चाचा जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में जितना भी दिक्कत हुई उसका हम लोगों को नुकसान हुआ जी। तो गौरव भाई जब इंटरनली कोई दिक्कत आती है पार्टी जी की, इतना ज्यादा हिम्मत चाहिए चीजों को, भाजपा डरपोक पार्टी जी वो एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा डरपोक पार्टी है, हम हिम्मत वाले डरपोक हैं, हम कहते हैं कि हमको नुकसान हुआ जी। उस चीज किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए ताकत चाहिए। ठीक है कि हाँ हम मानते हैं कि उससे हमको नुकसान हुआ। ठीक है तारिक भाई, इनको तो आज तक कोई नुकसान ही नहीं हुआ, जब दो पार्टी तब दो सीट जीतते थे तब भी किसी चीज से नुकसान। अच्छा नुकसान नहीं था डरपोक पार्टी, ठीक है जवाब लेता हूँ अभी। हमारे साथ पवन भाई बैठे हुए हैं, पवन भाई कैसा मूल्यांकन रहेगा भाई यहाँ पर प्रचार हुआ, गहलोत जी का नाम आया, उसके बाद फिर दिग्विजय सिंह का नाम आया, उसके बाद दो लोगों के बीच अभी सीधी टक्कर है, वोटिंग हो चुकी है, 19 को फैसला आएगा, पर जो बयान हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसके बाद, सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ तंज कसा गया, कैसा देखते हैं इस पूर्व? गौरव जी जी जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं जी, आज एक नए अध्याय का श्रीगणेश किया गया जी, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा जी बिल्कुल। और ये हमारे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं या बहन मायावती जी की जो पार्टी है, ये इन लोगों के लिए सबक है। अच्छा समझेगा, ये अभी तक वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे लोग जी, ये बहुत बड़ी गणित के साथ ये कांग्रेस तैयारी कर रही है जी। ये समझ लीजिए कि जो बीजेपी करती आई है जी, उसी के नक्शे कदम पर चलती है, उससे अच्छा करने की कोशिश, समाज में जनता को एक मैसेज देने के लिए बहुत बड़ी जो है प्लानिंग से काम कर रही है। ये दोनों प्रत्याशी अलग नहीं है जी, समझिएगा जी। आप अगर थरूर साहब की बात करिए, उनसे योग्य आदमी नहीं है, देखिए मजाक होना सबका अपना है, सबकी अपनी अपनी है, फोटो शूट का मामला है जी। तो खड़गे साहब की बात करिए तो वो भी राजनीति के गुरु ही कहे, ऐसा कुछ है नहीं जी। इनकी एक प्लानिंग है, अगर ये सिंपल चुन लिए होते, खड़गे साहब को अकेले आ जाते तो ये जो आज बहस हो रहा है ये मुद्दा गायब हो जाता। क्या बात, ठीक है। इसमें थरूर साहब को इसलिए लाया गया है जी, कि थरूर साहब की पहचान कुछ और, हमारे नौजवानों में कुछ और है, और नौजवानों से ही मार्केट में एक चर्चा का विषय बनता है जी। तो ये भी सब शुरुआत है, और कांग्रेस को जितना हल्के में समाजवादी पार्टी ले रही है या आम आदमी पार्टी ले रही है, जो बता रहे खत्म हो गई है या जो भी है, जो भी है, ये इन लोगों को सोचना चाहिए, इनकी पार्टियों के मुखियों को सोचना चाहिए, इनके मुखिया के लोगों को सोचना चाहिए कि हाँ हम कहाँ जा रहे हैं, ये वार किसके ऊपर पड़ रहा है। ये कांग्रेस आज ये सच्चाई है कि 2024 का जो मेन सभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, इसमें मुख्य भूमिका में भाजपा के सामने कांग्रेस ही होगी जो दिखाई पड़ रहा है। और जो हालात बहन मायावती जी की पार्टी का हुआ है, वही हश्र समाजवादी पार्टी का होगा, ये भी नोट करिएगा। अभी आम आदमी पार्टी के भाई साहब कह रहे थे कांग्रेस को, अरे आप उत्तर प्रदेश में पहले एक सांसद जिता दीजिए, आप किसकी बात कर रहे हैं, उतनी बड़ी पार्टी हम कांग्रेस के नहीं है ना भाजपा के, आपको सच्चाई एक्सेप्ट करना होगा, आप धरातल पे काम करिए। अभी देखिए तारिक साहब ने हमारे बहुत बढ़िया बात कहा, हम कहते आए हैं, आप तो देखते हैं बहुत दिन से कहते हैं तो लोग भड़क जाते थे, आज भाई साहब ने खुद कहा कि चाचा भतीजे का जो लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, उसका फायदा किसको मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला। अगर वो नहीं होता तो आज समाजवादी पार्टी को वोट मिला है, वो लड़ाई में थी, कुछ भी हो सकता था, समझिएगा जो हम कहना चाह रहे हैं। तो ये सब मुख्य बिंदुओं पे आना होगा, कांग्रेस बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है और वो धीरे धीरे बढ़ेगी,
आज 1000 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल चले हैं, जिनको लोग पप्पू के नाम से संबोधित करते थे, वो सबकी आवाज बंद हो गई। हमारे बीजेपी प्रवक्ता हैं कि आवाजें बंद हो गई हैं कि वो व्यक्ति पैदल ऐसा कैसे चल रहा है, काम ऐसे कैसे कर रहा है। ये सच्चाई है, इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। इन सबका फायदा भाजपा कांग्रेस ये दो पार्टियां 2024 में मुख्य भूमिका में आएंगे, बाकी सब धीरे धीरे करके धराशायी हो जाएंगे। इस कड़वी सच्चाई है जी, क्योंकि लोग अब उससे दूर हैं जी। एक संदेश दिया कांग्रेस ने कि हमारे यहाँ राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी अध्यक्ष नहीं बनते, हमारे यहाँ चुनाव होता है, दो लोग दो प्रत्याशी आए, ये पब्लिक देख रही है, हैं एक ही जी। संदेश जो देना चाह रहे हैं वो हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, चुनाव होगा, चुनाव में जीत भी किसकी होगी ये भी सब जानते हैं, हमारे यहाँ जितने प्रवक्ता महोदय बैठे हैं सब जानते हैं कि जीत किसकी होनी है। लेकिन जो संदेश देना चाह रही कांग्रेस, कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पे दिनों दिन अपने आप को दुरुस्त कर रही है, बढ़ रही है, और इससे इनको समाजवादी पार्टी और बसपा, बिल्कुल कहिएगा, आपकी हर बात हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन देखिए जो सच्चाइयां होती है उसको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है ठीक है ठीक है जी। तारे भाई जल्दी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं जी? गौरव भाई जी, जैसे जैसे अमेरिका में लेफ्ट विंग और राइट विंग और सेंटर वाले ऐसे ही राजनीति डिवाइड होती है। अच्छा, तो हम कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता को ये समझा रहे हैं कि हाँ, ये लोग राइट विंगर हैं, हम लोग लेफ्ट या सेंटर विंगर हैं, हाँ। जो सेकुलर होते हैं जी। तो हम ये कह रहे हैं कि ये ना बताएं कि दोनों एक ही हैं। अच्छा, ये गलत कर रहे हैं, बताइए कि सच में चुनाव हो रहा है। बता रहे हैं भाई, पवन भाई बता रहे हैं, ये पवन भाई बता रहे हैं, पत्रकार भाई, ये ना बताइए जी। ठीक है, सब दोनों एक ही है, ये सच में चुनाव हो रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है। अमित भाई कैसे देखते हैं भाई, यहाँ पर बीजेपी वाले अलग बोल रहे हैं कि केवल नाम है, प्रवक्ता आप बोल रहे हैं कि मर गई है, कहीं मजबूर नहीं बचा है, क्या कुछ करने वाले हैं, हम गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, वोट गठबा पार्टी बोल रहे हैं आपकी 10 को पुरानी पार्टी हो, कैसे देखते हैं भाई आप? देखिए बड़ा स्पष्ट है, सबसे पहला मैं जवाब दे दूं जी, आम आदमी पार्टी के हमारे प्रीतपाल जी बैठे हुए हैं, इन्होंने जो बयान अभी दिया कि हम वोट कटवा पार्टी है, मैं इस पे अगर कुछ जवाब दूं तो मैं मतलब यही होगा कि मैं बड़ा सीरियस ले लिया इस बात को। ये सब फालतू की बातें हैं और इस पे बहस करना भी बेकार है जी। इतनी हल्की बातें इनको चैनल पे बैठ के नहीं करनी चाहिए। अभी आप अपने दामन में देखिए, गिने चुने भी कितने दिन आपको सरकार में आया हुआ दिल्ली और पंजाब के जी। और लगातार लगातार ईडी और सीबीआई के छापे आपके यहाँ पड़ रहे हैं और आपके मंत्री जेल में हैं। इतने ही दिनों में इतना छीछालेदरी आपकी पार्टी की हो गई है, आगे क्या दशा होगा इस देश में आपकी पार्टी और आप जाने। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ने कहा कि बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ बलिदान देने की प्रथा बड़ी पुरानी है। अच्छा, और बलिदान किसी स्वार्थ में नहीं दिया जाता, पर तो प्रिपल भाई वो निस्वार्थ भाव में देश के लिए समाज के लिए दिया जाता है। और हमारा, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो हम आप ही की सोच का जवाब दे रहे हैं। आप अपने दल में देखिए जरा एक बार। और मैं आपको बता दूं गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी, अभी हमारे साथी पत्रकार महोदय ने कहा और बड़ी अच्छी और बड़ी बात कही, मुझे लगता है कि इस बात को हर दलों को कोट करना चाहिए जी, बिल्कुल, कि लोकतंत्र आपके दल में है कहाँ जी, आपके यहाँ जो चुनाव की प्रक्रिया है वो है क्या जी, आप कब चुन के आए, चाहे मैं किसी दल की बात करता हूँ, किसी दल का नाम नहीं लूंगा, अगर कोई दल हो तो आप चूंकि तटस्थ हैं आप मुझे बता सकते हैं कि इस दल में अमुक अध्यक्ष चुनाव जीत के आता है, बिल्कुल, ऐसा आप कहीं नहीं देखेंगे। तो एक स्वस्थ परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं और उसमें आप हमको वोट कटवा समझ लीजिए, आप हमको बलि का बकरा समझ लीजिए, ये आपकी अपनी बड़ी, आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं, आदरणीय सोनिया जी जब से राजनीति में सक्रिय हुई हैं, कालांतर में जाएंगे तो सर्वसम्मति से चुनाव हो जाया करते थे, लेकिन उसमें भी तमाम नेता बैठते थे साथ में और सहमति बनाते थे। आदरणीय सोनिया जी जब से राजनीति संभाली हैं, उनके दौर में 3 बार पार्टी का चुनाव हो चुका है जी, बहुत लंबा अरसा नहीं है ये हम लोगों के आपके सामने की बातें हैं, 3री बार ये इलेक्शन हो रहा है। तो एक स्वस्थ परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से रूट लेवल आप किसी दल में चले जाइए। हमारे यहाँ इलेक्शन जब हो रहा था और अभी जो संपन्न हो चुका है, लगभग मतगणना बाकी है, बूथ से हमने ये इलेक्शन स्टार्ट किया है, बूथ के मेंबर्स बनाए हैं, मेंबर्स बनाने के बाद हमने पीसीसी डेलीगेट बनाए हैं और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने जा रहे हैं, एक एक अलग परंपरा। और साथ ही साथ निर्विवाद रूप से हमने सबको ऑफर किया कि जिसको लड़ना हो आके चुनाव लड़े। अरे बलि के बकरा तो जेपी नड्डा साहब है जी, बलि के बकरा तो अमित शाह है। आपको इसे बोला है चुनाव हारने वाले गुजरात से बलि के बकरा बना रहे हैं वो इसलिए है, मैं बता रहा हूँ आपको
एक भारतीय जनता पार्टी सेंट्रलाइज पार्टी है, वो है अमित शाह और मोदी की। अच्छा। आप अटल आडवाणी जोशी की वो जो भारतीय जनता पार्टी थी, आज वो कहीं जमीन पर और धरातल में नहीं है। अच्छा। दो उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जब अमित शाह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उनका 3 साल पूरा हो गया, तो अमित शाह और मोदी को राजनीति में और अपने पार्टी के अंदर संगठन में इतना संशय है उनके अंदर, इतना डर उनके अंदर है कि वो अगला हमारा अध्यक्ष कौन होगा, चूंकि चुनाव तो ये कराएंगे नहीं, ये थोपने वाले हैं देश के ऊपर और अपनी पार्टी के ऊपर। तो इनको कोई जब नहीं मिलता है तो एक बार फिर इन्होंने अमित शाह को एक्सटेंशन दे दिया। जी। और वही हालत जब जेपी नड्डा साहब आए तो इनको कार्यभार देने में भी महीनों का टाइम लगा। अच्छा। कि कार्यभार इनको दिया भी जाए या ना दिया जाए। जी। और बतौर कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए और आज बन गए और दोबारा इनका भी एक्सटेंशन हो रहा है। यानी कि इनके दल में नेताओं का इतना घोर अभाव हो गया है। और अभाव का एक कारण भी है, वो है अमित शाह और मोदी जी के अंदर का डर। अच्छा। क्योंकि वो अपने स्तर से पार्टी को चलाना चाहते हैं, वो उनके लिए सारे बकरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता उनके लिए बकरे हैं, जिसको जब चाहे हलाल कर दें, इसलिए वहाँ कोई कुछ बोलता नहीं है। और जेपी नड्डा साहब वही कर रहे हैं। अच्छा। वो वही बोलेंगे जो अमित शाह और मोदी जी कहेंगे। तो ये सारी चीजें आप हमारे ऊपर मत थोपिए, हमारे यहाँ बड़ा साफ सुथरी की परंपरा। अच्छा। है हमारे यहाँ सीताराम केसरी कोई बलि बकरा नहीं बन रहा, चुनाव जीत के आए थे। जी। हमारे यहाँ सोनिया जी भी चुनाव जीत के आई थी, और आज फिर राहुल गांधी जी या गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति इस बार बड़े मन से, हमने खुला ऑफर किया कि जिसको मन आए वो आके चुनाव लड़े और पार्टी की कमान को संभाले। इतनी स्वच्छ परंपरा आपके यहाँ कहाँ है, आप लड़ाइए ना। अभी देखिए अमित शाह और मोदी जी के जितने तुरुप के पत्ते हैं सब ढह जाएंगे, गिर जाएंगे। अच्छा। और एक नई बीजेपी फिर से खड़ी हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। अगर ये इतनी परंपरा का निर्वहन कर दे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ। जवाब दीजिए प्रवक्ता आपको। अभी कांग्रेस के मित्र हमारे कह रहे थे जी कि बड़ी स्वस्थ परंपरा है जी, प्रदेश में एक ही परिवार ऐसा है कि आम आदमी पार्टी को अपना आईना देखना चाहिए। ब्रिज जी बात बोल लीजिएगा, नहीं नहीं पहले बात बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। अभी आपकी बात लेता हूँ, एक सेकंड लेता हूँ। गांधी परिवार में कोई व्यक्ति नहीं बचा जी, चाहे नेहरू मतलब पिताजी, माताजी, दादी जी, दादाजी, जीजाजी, मतलब सब बारी बारी से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। भारतीय जनता पार्टी में एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा जी कि पिता के बाद बेटा बना हो। ये भारतीय जनता पार्टी है जी, जो जाति धर्म परिवार से ऊपर है, इसीलिए आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी में हो, समाजवादी पार्टी में बाप बेटा ये सब मंत्र लगा चले आ रहे हैं जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तुलना करना जी बहुत ही हास्यास्पद है जी अन्य दलों के लिए जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटा कार्यकर्ता जी, अभी नड्डा जी की बात हो रही थी जी, नड्डा जी मंडल अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला हर व्यक्ति, हर नेता ये कल्पना कर सकता है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री बन सकता हूँ जी। लेकिन क्या कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, क्या कभी कल्पना कर सकते हैं जी? बिल्कुल भाई, पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेटा प्रदेश अध्यक्ष जी, और चाचा महासचिव, मतलब पूरा परिवार ही उसमें रहा। वही हाल कांग्रेस में है। कांग्रेस में भाई आप सबको पता है कि मनमोहन जी क्या थे जी, रबर स्टैंप थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि मैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर था। अच्छा। और अभी जैसे खड़गे जी की लगातार बात आ रही है, तो खड़गे जी को ये क्यों कहना पड़ा? अच्छा। कि अभी बकरीद में जब बकरा बचेगा, अच्छा, तभी तो मोहर्रम में नाचेगा। अच्छा। क्योंकि उनको पता है कि जैसे बाकी सबका हलाल हुआ है, वैसे अगर ये चुनाव में कहीं कांग्रेस हारी, निश्चित है कांग्रेस को हारना है, तो बलि के बकरे बन के इनको मोहर्रम में नाचने लायक नहीं रहेंगे। पहले ही आपने जो है बसवाड़ी कर दी, कांग्रेस को हारना है, नहीं वो निश्चित है। अच्छा। कांग्रेस अब पूरा देश समझ गया है, कांग्रेस की नीतियां समझ चुका है। और अभी जैसे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि राहुल गांधी जी ने 1000 किलोमीटर यात्रा की, और हमारे सम्मानित पत्रकार पवन श्रीवास्तव जी पूरे इतनी बड़ी यात्रा में 100 किलोमीटर नहीं किए राहुल गांधी जी, मैं दावी फात कह सकता हूँ। 1000 किलोमीटर तो एक कल्पना है। अच्छा। कहना की जो है भाई फोटो शूट करने के लिए पैदल यात्रा किया, उसके बाद गाड़ी बैठ के बढ़ गए 1000 किलोमीटर जी, किसी भी कांग्रेसी नेता की हैसियत नहीं है चलने की। अच्छा, कैसे जा रहे हैं? कभी संभव नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से भी कांग्रेस के मेरे मित्र कह रहे थे कि पूरे देश में बेरोजगारी है, बेरोजगार अगर जनता ने कर दिया आपको, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की गलती है।
आप लगातार चुनाव हार रहे हैं, आपके नेता बेरोजगार हैं, कांग्रेस के नेता बेरोजगार हैं, इसी तरह समाजवादी पार्टी के लोग लगातार बेरोजगार है, जनता उनको बेरोजगार कर रखी है। तारिक भाई बेरोजगार, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लगातार जनता के लिए काम कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। तो जनता अगर हमको रोजगार सेवा करने का अवसर दी है तो इसमें निश्चित रूप से ये आपको सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आखिर देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लगातार चुनाव जीत रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हमने देश की जनता के लिए, प्रदेश जनता के लिए काम किया है तभी जनता हमारे साथ है। तारिक भाई जल्दी बोलिए, क्या बोला सर? ये जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ जो अध्यक्ष चुना जाता है उसके चुनाव की प्रक्रिया क्या है? जी अरुण भाई जवाब दीजिए। नहीं, तारिक भाई नहीं जान सकते हैं। अच्छा। भाई कोई चुनाव ऐसा होता है कि बेटा बने फिर पिता बने? नहीं, मैं तारिक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अपने वहाँ बताइए कि क्या भाई कारण है कि बाप बेटे से बाहर कभी पार्टी जाती ही नहीं? अरे कभी बाप बेटे से बाहर जानी चाहिए, तब आपको लोकतंत्र की समझ होगी। भारतीय जनता पार्टी में मैंने कहा अगर मैं इस मंच पर बैठा हूँ तो मैं सपना देख सकता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का, प्रधानमंत्री बनने का। लेकिन तारिक भाई, आप जिस पार्टी में हैं, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का, ना कभी मुख्यमंत्री बनने का, ना प्रधानमंत्री का कभी बनने का समय नहीं दे सकते। सर सुन लीजिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रवक्ता साहब सुन लीजिए, मेरी बीजेपी में कुछ अच्छे लोगों से जान पहचान है, मैं कहूंगा एक शिविर करा दे जिसमें इन लोगों को ट्रेनिंग दे। अच्छा, अध्यक्ष कैसे चुना जाता है आपका? जी आपको मालूम होना चाहिए, मुझे पता है कि समाजवादी का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है, भले कोई भी चुना जाए, आपको प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए। कैसे नड्डा साहब चुने गए, कैसे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वो चुने गए, उससे पहले बंगाल लक्ष्मण साहब थे शायद, वो कैसे चुने गए? तो आपके यहाँ या पहले कैसे चुनाव होता था जब दीनदयाल उपाध्याय थे, जब जनसंघ थी? तो मैं कह रहा हूँ कि आपके यहाँ चुनाव अध्यक्ष का कैसे होता है, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे जानकारी नहीं है, ये जानकारी नहीं है मेरे पास। गौरव भाई देखिए, अच्छा चुनाव ये आंतरिक लोकतंत्र की बात है। अच्छा हाँ, इसलिए एक मैं जो बीजेपी के जो दो चार लोग हैं प्रवक्ता, मैं उनसे कहूंगा इन लोगों के लिए एक शिविर ऑर्गेनाइज करा दें। अच्छा। ताकि ये बता दिया जाए, ये सब मूलभूत चीजें हैं कि आपके यहाँ प्रक्रिया क्या है, आपके यहाँ वो मार्गदर्शक मंडल बना दिया गया। तारिक जी सुनिए, तारिक जी नहीं हुई, तारिक जी सुनिए, तारिक जी सुनिए, प्रक्रिया बता दीजिए, तारिक जी पवन भाई बोल रहे हैं। तारिक जी हम बता रहे हैं, बीजेपी तो बोलेगी, कांग्रेस बोलेगी, सुनिएगा। ये हम नॉर्मली इसलिए बता दें कि हम लोग ऐसे मंच में बैठे हैं, हमें सभी के बारे में जानकारी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो। आपने जो भी भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं, पहली बात तो आप किस मुंह से पूछ रहे हैं सवाल? भाजपा में भी चुनाव प्रतिनिधि होते हैं, ध्यान दीजिए मेरी बात को, आप प्रदेश कार्य समिति सदस्य होते हैं, वो चुन करके वो प्रदेश कार्य समिति सदस्य होते हैं, ये चुनाव करते हैं। भाजपा में भी बैठाने की व्यवस्था नहीं है जी, इसको पहले दिमाग में रख लीजिए आप जी। ये समाजवादी इसी प्रक्रिया का तो मैं भाजपा से जानना चाहता हूँ, आपसे नहीं, भाजपा। अरे तो भैया, आपके पूछ रहे हैं आप अपने दल में पता करिए ना सर, आप अपने दल में देखिए, आप वहां सुधार कराइए। तारिक जी आप वहां सुधार कराइए। गौरव भाई समझते हैं, मैं अभी एक्सप्लेन किया मेरा जी। गौरव भाई मैं बताऊं अपने यहाँ हमारे यहाँ प्रक्रिया क्या है? चलिए गौरव भाई, प्रक्रिया सब देख रहे हैं, चला प्रक्रिया सब देख लिए भैया, लेकिन बेटा ही बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। चुनाव प्रक्रिया होगी, लोकतंत्र होगा, लेकिन बेटा ही बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा जी। दूसरा अध्यक्ष बन के आएगा, वही आके बैठ गए थे, सब लोग नाराज थे। मैं प्रक्रिया बता सकता हूँ, मैंने ये नहीं पूछा कौन बन रहा है। कल आप नड्डा साहब की जगह राजनाथ सिंह साहब को बना दीजिए, प्रक्रिया जानना घोषणा हुई है सर, प्रक्रिया भाजपा के वहाँ पे तो घोषित किया जाता है, उन्हीं को पता होनी चाहिए। प्रक्रिया भाजपा और कांग्रेस में होती है, समझिएगा मेरी बात को, भाजपा और कांग्रेस ये दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो नियम से चलते हैं, सही है। कांग्रेस बीच में 15 साल 20 साल 25 साल गायब हो गई, गायब होने का तात्पर्य उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, राजनीतिक दल आपस में करते हैं, हो सकता है भाजपा की चाल रही हो
या जिसे कांग्रेस की जब सरकार थी तो भाजपा नहीं आई, जनसंघ नहीं आई, हो सकता है कांग्रेस वालों की चल रही हो। अब कांग्रेस उठ रही है, इसको एक्सेप्ट करना होगा। कांग्रेस एक नई दिशा से आ रही है, मेहनत कर रही है, जिसे भी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस की हैसियत नहीं किसी की जो 100 किलोमीटर चले, गलत शब्द है, ये अहंकार कहा जाता है। अहंकार किसी को नहीं होना चाहिए। कांग्रेस मेहनत कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मामला यह है कि महागठबंधन, उत्तर प्रदेश में जो महागठबंधन बनने की स्थिति है, ये किनारे हो रही है। वो सपा समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी, सब चुनाव जीत जाएगी। बसपा लड़ेगी वो जीत जाएगी, कांग्रेस लड़ेगी वो जीत जाएगी। हारे कौन? ये सब अलग अलग है ना, कह तो रहे हैं सर जी, ठीक है, सब अलग अलग है सर। पिंपल भाई अपनी बात पूरी करिए। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि आपकी कोई व्यवस्था नहीं है और आपके लंबा समय हुआ नहीं है, पहले छिछले उतर गए, क्या बोलते भैया? कांग्रेस के हमारे मित्र जो है वो शायद भूल गए हैं, आम आदमी पार्टी का अगर जन्म हुआ है वो कांग्रेस की बद इंतजामी के कारण हुआ है। अगर कांग्रेस जन लोकपाल ले आती तो आम आदमी का आज उदय नहीं होता और अच्छा। कांग्रेस वजूद में दिखती। अच्छा, दरअसल कांग्रेस को खत्म करने का अगर किसी ने बीड़ा उठाया वो आम आदमी पार्टी है। अच्छा, शीला दीक्षित जो 15 साल की वहां पे मुख्यमंत्री लगातार जीत के आ रही थी, किसी पत्रकार महोदय ने पूछा जी, जैसे अभी मित्र हमारे कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी अपने अंदर झांके है जी, तब किसी पत्रकार महोदय ने पूछा कि भाई केजरीवाल लड़ रहे हैं, कहता है वो आज केजरीवाल, कौन केजरीवाल, कैसा केजरीवाल जी, सब आए सब चले जाएंगे जी, और खुद ही वो साफ हो गई, कभी भी फिर वोट के नहीं पाई, उनकी राजनीति पूरी धूमिल हो गई जी। इनके खुद के मुख्यमंत्री जो थे जिनको 4.5 साल तक पता नहीं चला, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं पता चला कि इनका मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सहारे पे पंजाब में सरकार चला रहा था, वो गोद में चला जाता अंतवा गतवा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में देख लिया जी। मैंने जो कहा वो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं, सांसद संजय सिंह जी भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर भी टीम अगर कोई है तो वो कांग्रेस। अच्छा, यानी गंगाधर जो है वही शक्तिमान है जी, ये पूरा देश समझ चुका है। अच्छा, वोट दिया जाता है कांग्रेस को, वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में इनके विधायक चले जाते हैं। अच्छा, आप एक विधायक जी, मैं सम्मानित हमारे जो मित्र हमारे हैं कांग्रेस के, हमारे बहुत अच्छे हमारे इनके साथ संबंध है जी, ये बता दे कौन आम आदमी पार्टी का एक विधायक अगर इनके पास चला गया हो, ये सरकार को गिराने का काम किया हो। अभी आपने देखा गौरव भाई, 800 करोड़ रुपए पंजाब में उन्होंने विधायकों को देने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। अच्छा, कुछ हुआ? एक विधायक हमारे डिगा नहीं पाए। 2013 में हमारे पास 28 विधायक थे, 28 के 28 विधायक तब तक जब हम लोग वहां पे इस्तीफा दे दिया उसके बाद भी बने रहे। 67 विधायक हमारे 2015 में थे, लगातार लास्ट तक वो बने रहे जी। फिर 62 विधायक अभी हमारे है, 92 विधायक हमारे पंजाब में है जी। आप छोड़िए, 2 विधायक हमारे एक पार्षद तोड़ के दिखा दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी का आंदोलन से निकले, कौन आपको ये ऑफर देता है? खुलासा नहीं हो पाता है, समाज में सताए जाते हैं गौरव जी, उनमें से ये निकले हुए लोग हैं जी। ये सब वो वर्ग है जो कुछ लेना चाहता था सत्ता से, अगर सत्ता ने कहा जाओ अच्छा, तो तुमको कुछ नहीं देंगे। अच्छा, तो कांग्रेस अहंकार में कहती रही कि जाओ तुमको कुछ नहीं देंगे, तुमको कुछ लेना है तो जनता के बीच में जाओ जी, जीत के आओ जी, फिर खुद बनाओ। वो उस दम पे आम आदमी पार्टी ने अपने आप को खड़ा किया है, तभी आज देश के अंदर हम 2 राज्यों में रह गए। 135 वर्ष पुरानी पार्टी वो भी दो राज्यों में सिमट के रहेगी, आने वाले समय में वो भी जीरो हो जाएगी। अच्छा, वहां कौन जाएगा? कांग्रेस का बिफर्दा, वहां भी हमारी पार्टी जाएगी क्या? जहाँ राज्यों में कांग्रेस बची है, जहाँ राज्यों में कांग्रेस बची है वहाँ भी हमारी पार्टी जाएगी क्या? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी वहाँ जाती है जहाँ पे कांग्रेस ने कुछ ना दिया हो। अच्छा, सत्ता पाने के बाद या भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पाने के बाद कुछ ना दिया हो, वही आम आदमी पार्टी की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अगर गुजरात के अंदर 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गौरव की, अगर वहाँ लोगों को रोजगार मिला होता, सुरक्षा प्राप्त हुई होती, अच्छी शिक्षा मिली होती, अच्छा स्वास्थ्य मिला होता, तो आम आदमी पार्टी को वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अगर हिमाचल के अंदर इन्होंने अच्छा काम किया होता तो हिमाचल में आम आदमी पार्टी को जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर कांग्रेस पंजाब में अच्छा काम कर रही होती, अगर वहाँ के इनके मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सारे पर सरकार न चला रहे होते, अच्छा, तो आम आदमी पार्टी की वहां जरूरत नहीं थी। अच्छा, आम आदमी पार्टी की जरूरत वहीं शुरू होती है। अच्छा, अमिताभ बच्चन का एक बड़ा अच्छा डायलॉग है दीवार। अच्छा, का जहां मैं खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू। अच्छा, होती है।
तो ये जनता ने मान लिया है कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली तो का शिक्षा मॉडल है, जो स्वास्थ्य मॉडल है, वो अरविंद केजरीवाल जहाँ खड़ा होगा, जहाँ भाई कुछ बोला जा रहा है, संजय सिंह खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू होगी, क्योंकि वो जनता के लिए हमारी अमित भाई कुछ बोला जा रहा है कांग्रेस से। ये सलूजा जी, आप मेरे बेहतर अच्छे मित्र हैं जी, आपकी ये डायलॉग मुझे बड़ी पसंद आई। अच्छा, आपके विरोधी को ये डायलॉग बहुत पसंद आया कि आप जहाँ से खड़े होते हैं, जहाँ खड़े होते हैं वहाँ से लाइन शुरू हो जाती है। इनके जैन साहब जहाँ खड़े हुए हैं वहीं से लाइन शुरू हुई है, दूसरे नंबर पे कौन सी लाइन की बात कर रहे हो? सिसोदिया जी खड़े हो गए हैं। अच्छा, और बाकी की लाइन और लगती जा रही है। इनकी जो लाइन है ना, वो लाइन शुरू हो गई है, जैन साहब से सिसोदिया तक पहुँचा है, इसके बाद और भी भ्रष्टाचारी इनके उस लाइन में लगते जाएंगे। ये उसी लाइन की बात कर रहे हैं। दूसरी बात सलूजा जी, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता, सलूजा जी मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता, आप देख रहे होंगे कि मैंने सबकी सुनी। ने कहा कि सीबीआई पिंजरे का तोता है। अच्छा, ये कांग्रेस का ही वो समय था। हाँ ठीक है, कांग्रेस का समय था जब मनमोहन सिंह अगर कोई कानून लेके आते थे तो राहुल जी वो कानून फाड़ दिया करते थे। याद कीजिए, ऐसे ऐसे ऊपर कमर करते थे। अच्छा, बाजुओं को अमित भाई बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देश का प्रधानमंत्री था। अच्छा, जो इकोनॉमिस्ट कहा जाता है उसके एक कार्यक्रम को फाड़ दिया जाता था। अच्छा, वो राहुल गांधी, देखिए ऐसे नहीं देश उनको पप्पू कहता। हो गया सलूजा जी, आपकी बात पूरी हो गई, शब्दावली ध्यान, आपकी बात पूरी हो गई, शब्दावली में ध्यान रखें। वो अचानक दौड़ना शुरू कर देता है, हजारों किलोमीटर दौड़ता रहता है, लोग उसके पीछे लग पड़ते हैं। अच्छा, अंत में एक जगह खड़ा होकर घर आ जाता है। अच्छा, वही हाल राहुल गांधी का होने वाला है। अच्छा, वो देश को बदलने से पहले कांग्रेस को बदल के देखे, कांग्रेस अपने गिरेबान में जाके। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि कांग्रेस फिर बढ़ी, फिर खड़ी हो, मगर लगता नहीं कि जिस तरह से ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की गोद में चली गई है। अच्छा, ये कभी नहीं खड़ी होने वाली। अच्छा ठीक है, पूछ रहे हैं। देखिए, इनके दिल में एक जगह दुआ भी है जी, दुआ बिल्कुल, दुआ है भाई, बोल तो दिए, इनके दिल में दुआ की भी जगह है। और अभी इन्होंने कहा कि हमारे बाप दादा भी कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। जल्दी मैं आपको बुलाऊंगा, विधायक नहीं आ रहे तो मैं आपको बुला लूंगा। सलूजा जी देखिए, ऐसा है, आपने जो भी कहा, दो तीन बातें आपने कही, भारतीय जनता पार्टी की भी कुछ बातें आती, मैं सारी बातों का जवाब दे देता हूं। जैसे आपने कहा कि हमारे किसी विधायक को तोड़ के दिखाए, अरे आप तो उस पार्टी से आते हैं, जन्म लेते ही आपके जो मजबूत साथी थे, किरण बेदी थे, कुमार विश्वास थे, योगेंद्र यादव थे, और भी तमाम नाम थे, सबके साथ आपने दगा किया। आपने डे वन में अपने पार्टी की नीतियों को तोड़ दिया, उसके बाद भी आपके पूर्व विधायक पार्टी छोड़ के गए हैं। वो मिश्रा भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हो गए, क्या नाम है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, कपिल मिश्रा, वो कहाँ से आए थे आप मुझे बताइए। देखिए ऐसा है, किसी को बहुत अंडर एस्टिमेट करना सलूजा जी, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और दूसरी बात, मैं एक बात भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ने कहा, और अक्सर पैनल में भारतीय जनता पार्टी के लोग दो बात जरूर कहते हैं, विश्व की नंबर एक पार्टी। अच्छा, तो है भाई, हाँ विश्व, हाँ है, जरूर है। वो इतने मोबाइलों का, वो मिस्ड कॉल, दूसरों का मोबाइल, उनका मोबाइल, उनका मोबाइल ले, इतने मिस्ड कॉल मार रहे हैं, वो विश्व के नंबर वन की पार्टी, वो आप भी कराइए। जी जी बिल्कुल, वो विश्व की नंबर वन पार्टी है। और दूसरी बात, ये हमला करते हैं परिवारवाद के। हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, वो मुझे बता दे पंकज सिंह के पिताजी का नाम क्या है, वो मुझे बता दे अनुराग ठाकुर के पिताजी का नाम क्या है। अच्छा, वो मुझे बता दे पंकजा मुंडे के पिताजी का नाम क्या है, वो मुझे बता दे जय शाह के पिताजी का नाम क्या है, वो मुझे बता दे आदित्यनाथ जी के आध्यात्मिक पिता का नाम क्या है। ध्यान रखिएगा शब्दों का, मैंने आध्यात्मिक बात करी, वो संत परंपरा में आता है। इनके पिता कौन है? आप किस मुंह से परिवारवाद पे बार बार सपा या बसपा अब या कांग्रेस पे आप हमला करते हैं? दूसरी बात, आपने कहा कि इनके परिवार के संगठन में नहीं, वो ठीक है। उसके बाद इन्होंने अध्यक्ष की बात करी कि बार बार इनके परिवार के 90वें अध्यक्ष हमारे चुने जा रहे हैं, और आज तक इंदिरा जी, नेहरू जी, इंदिरा जी और सोनिया जी, और चौथे राहुल गांधी जी। उसके बाद जो 86 लोग बने हैं, क्या वो गांधी परिवार के थे जी? आप हमें बताएंगे कि हमारे घर में किस तरह के परंपरा का निर्वहन हो रहा है जी? दूसरी बात जी, ईपीए 1 और ईपीए
टू की सरकार में आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जिस तरह से उस प्रधानमंत्री के कुर्सी को अपने एक योग्य नेता को सौंप दिया, उसको आप कहते हैं कि वो रिमोट से चलने वाले लोग थे। ये हास्यास्पद चीजें हैं, ऐसी बातें अंडर एस्टिमेट करने वाली बात है, मुझे लगता है कि चैनल पे नहीं करनी चाहिए। और बाकायदा आप इस बात का भान हमेशा रखें कि मिस्ड कॉल, मोबाइल के मिस्ड कॉल से कोई विश्व की नंबर एक पार्टी नहीं हो जाया करती है। एक सवाल और है जी, बोलिए तारिक भाई बोलिए। विश्व की नंबर एक पार्टी बन गई तो क्या विश्व स्तर का कोई चुनाव भी होता है क्या? होता है ना, ये पाकिस्तान में भी चुनाव कराते हैं, इनके नेता वाशिंगटन में जाके वो ट्रंप का प्रचार करते हैं, इनके लिए गुजरात में अहमदाबाद में ट्रंप के लिए वो ट्रंप का वो पर आयोजन करा देते हैं। हाउडी ट्रंप आपने वाशिंगटन में देखा, तो ये तो अंतरराष्ट्रीय विश्वव्यापी लीडर है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन गए जी, विश्वव्यापी तो हो ही गए। अब आप विश्व की और जिनको जिनको साहब ने छुआ उनकी सरकार चली गई। अच्छा, जिनको जिनको साहब ने छुआ उनकी सरकार चली गई। अब जवाब तो भैया रामनाथ भाई देंगे, रामनाथ जल्दी जवाब दीजिए, फिर पमन को लेता हूँ। नहीं, अभी कांग्रेस के मित्र हमारे कह रहे थे कि कांग्रेस परिवारवादी पार्टी नहीं जी। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस में कौन मेंबर बचा है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहा जी? भाई मैंने तो सवाल ये किया, मैं 20 साल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, अगर इसके अलावा उस परिवार में कोई भी एक व्यक्ति हो जिन नामों को बताया जो बचा हो, हम जिसको बता दीजिए मुझे, क्योंकि ये तो एक मुखौटा है जी। मैंने आपसे पहले ही कहा कि होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं कह रहे हैं जी कि हम जब बकरीद में बचेंगे जी तब मुहर्रम में नाचेंगे जी। तो उनको अपने हश्र के बारे में जानकारी है, उनको पता है, बार-बार भाई यही बात कर रहा है भाई, जो भी मायने निकालेंगे जी। नहीं नहीं भाई, इतने बड़े नेता है कांग्रेस के होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कांग्रेस के होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि जो है मैं जब बकरीद में बचूंगा तब मुहर्रम में नाचूंगा, तो उनको पता है कि गुजरात और हिमाचल चुनाव के बाद मेरा क्या हासिल होगा। अच्छा। इसीलिए उन्होंने भविष्यवाणी की है। अच्छा। भाई कितने की बचे, अगर बकरीद में बचूंगा तो मुहर्रम में नाचूंगा। भाई इतने योग्य नेता हैं, अगर कोई शब्द कहते हैं तो उसके मायने होते हैं, फिर उनको पता है कि जबरदस्ती हमको बनाया जा रहा है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये नहीं कहना चाहिए कि हम जो है लोकतांत्रिक पार्टी है। भाई लोकतांत्रिक पार्टी का मतलब होता है कि सभी जाति सभी धर्मों के लोग अलग अलग उनसे आए होते। अब आपके परिवार में तो कोई बचा नहीं जी, जिसको बलि का बकरा बनाए। भाई राहुल को दोबारा बना के फिर क्या हरवाना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि गुजरात में हारेंगे, हिमाचल में हारेंगे। अच्छा। आने वाले जो प्रदेशों चुनाव उसमें भी हारेंगे। अच्छा। तो आखिर जो व्यक्ति लगातार जिनके नेतृत्व में चुनाव हार रहा है, असल में कैसे दोबारा जो है उनको बनाए? क्योंकि फिर ठीकरा फूटेगा उनके ऊपर। इसीलिए खड़गे जी, खड़गे नेता की जी को अच्छी तरह पता है कि पॉलिसी मेकर भाई, इसीलिए उन्होंने कहा बकरीद में बचूंगा तभी मुहर्रम में नाचूंगा। उनको पता है कि मेरा हश्र क्या है। अगर घर में तय होता है, अगर गुजरात और हिमाचल में चुनाव बचेंगे तब आगे बचेंगे, उनको पता है। मैंने निकाली क्योंकि उनको पता है कि अगर इनमें कुछ हो गया जी तो हम बचेंगे, अगर इसमें हट गया तो ठीक है हमारे पर बोल के राहुल गांधी जी को ठीक बना देंगे। ठीक है, निकलते रहिए। ठीक है, ठीक है। पवन भाई, पूरा देश कांग्रेस के साथ खड़ा हो रहा है और आप देखिए लाखों लोग पवन भाई अपनी बात पूरी कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में आ रही है। पवन जी मूल्यांकन करिए, मूल्यांकन करिए जी। गौरव जी जी, एक चीज तो मुझे विश्वास हो गया जी इस डिबेट के माध्यम से जी, कि जो भाजपा चाह रही थी वो हो गया है। अच्छा, समझिएगा जी, जो भाजपा चाह रही है वो यहाँ दिखाई पड़ रहा है जी। महागठबंधन बहुत दूर है भी बनने के लिए, टूट चुका है। टूट चुका का तात्पर्य ये है कि सपा अलग जा रही है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है कांग्रेस से, समझिएगा सर जी। अब यही भाजपा चाह रही है जी, जो गठबंधन ना हो पाए, सच्चाई है, जो सच्चाई है। नहीं, अगर गठबंधन भी होता है बहुत दूर है, इस सच्चाई को भी एक्सेप्ट करना। भाजपा के घटक दल तो साथ नहीं है। रुकिए, नहीं रुक जाइए सर, अब एक मिनट रुक जाइए। जमीनी स्तर पे मेहनत करना पड़ता है। जमीनी स्तर पे मेहनत करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी से लोग तुलना कर रहे हैं उनको देखें। हर परिवार में एक कार्यकर्ता है, हर परिवार में, गांव किसी गांव में आप चले जाइए, हर परिवार में एक बीजेपी का कार्यकर्ता मिल जाएगा। कांग्रेस गायब, समाजवादी पार्टी ट्वीट करते हैं, सच्चाई समझिएगा जी। मेहनत अगर करने की बात करिए तो मेहनत करेंगे नहीं। अब अभी आज की हम कुछ बात करें, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की कुछ बैठक चल रही है, सुबह से ही चल रही है, तो जहां तक हमारे सूत्र हैं जो हमको समझ में आया है, इस बार जो निकाय का चुनाव होने जा रहा है जी,
अभी तक दो दो जातियां कह सकते हैं, अब यादव जी भी हमारे प्रवक्ता महोदय हम कहेंगे हम नहीं दूर हैं, लेकिन जो सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी से एक यादव बिरादरी और एक दूसरा अल्पसंख्यक मुस्लिम बिरादरी, थोड़ी दूरी क्या ज्यादा दूरी हम कह सकते हैं है, लेकिन अब उस पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से फोकस कर दिया, फोकस किया है। इस निकाय चुनाव में मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोगों को टिकट मिलेगा। एक चीज यादव जी की अगर हम बात करिए, अब नेताजी बहुत हमारे हम लोग बहुत मानते थे, खास करके पत्रकार बिरादरी मानते थे, इसलिए मानती थी नेताजी को क्योंकि वो धरती पुत्र थे, धरती पुत्र थे, लेकिन उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़िया सा जो भी कह सकते हैं कुछ शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, और यादों का चाहे 4-6% वोट बीजेपी ले चुकी है, सच्चाई है, बाकी 2-4-5% वोट वो भी 15-20 दिन में ले लेगी, ठीक, ये सच्चाई है, मेहनत करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरह काम करना पड़ेगा, तब कुछ होगा। लेकिन अब इस प्रदेश में 24 के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दो ही रहेंगे, ये कड़वी सच्चाई हो सकती है। ठीक है, ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने देखा कि चर्चा का विषय था कि कांग्रेस में नए अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है और चुनाव हो गया, 19 तारीख को परिणाम आ जाएगा, पर जिस तरह से तंज कसे गए, जिस तरह से प्रचार किया गया, और कहीं ना कहीं ये भी देखना गया है कि वैचारिक मतभेद कहीं ना कहीं सामने भी आए, क्योंकि प्रचार अलग बात है पर जो मतभेद है उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको जग जाहिर करना मेरे ख्याल से किसी पार्टी की संगठन की व्यवस्था के लिए बेहतर नहीं है। आने वाले समय में किस तरह बेहतर होगा, कांग्रेस किस तरह और मजबूत होगी और अन्य पार्टियाँ कितनी रणनीति बना पाएगी, ये वक्त बताएगा। पर एक बात तो साफ है कि जो 24 के चुनाव माने या निकाय चुनाव माने, यहाँ पर जीत उसी की होगी जो जाति समीकरण साधेगा, जो बात विकास की करेगा और जो बात यहाँ पर संगठन को मजबूत करने की करेगा, बैठकें होती रहेंगी, काम होता रहेगा, तो उसी को जनता यहाँ पर समर्थन ही मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर धरातल पर संघर्ष होता है परिणाम बेहतर वहीं पर आते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे जनति नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।